नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था क्लास कैसे बनाई जाती है, कैटेगरी कैसे डिफाइन करना है, सेक्शन कैसे बनाया जाता है और हाउस कैसे बनाया जाता है। आज वीडियो में हम कवर करेंगे एडमिशन कैसे करना है, रूट कॉन्फ़िगर कैसे करना है और फीस कैसे काटनी है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रूट कॉन्फ़िगर करके दिखाते हैं। रूट भी कॉन्फ़िगर करना बहुत ईजी है, जैसे हमने फीस प्लान किया था बस सेम उसी तरह करना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मास्टर में जाना है, मास्टर में रूट में, मास्टर मेनू के अंदर रूट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, न्यू क्लिक किया। अब यहाँ पे हमको रूट नेम डालना पड़ेगा, बच्चा कहाँ से आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एरियाज डाल देता हूँ, सिविल लाइंस, जो भी एरिया हो। कुछ स्कूल्स किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो हम यहाँ पे किलोमीटर्स बना देंगे। और अभी तो न्यू किया, जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी हो, फिर मंथली चार्ज करना हो मंथली चार्ज कर सकते हैं, बाय मंथली चार्ज करना हो बाय मंथली चार्ज कर सकते हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से हम सेट कर देंगे। सेव कर दिया और उसके बाद हम जितनी हेड चाहें, जितना रूट चाहें उतना बना सकते हैं। सेव कर दिया। अगर कुछ स्कूल्स किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, जैसे 0 to 5 किलोमीटर्स, रूट कॉन्फ़िगर, रूट कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल कैसे चार्ज कर रहे हैं बच्चों से ट्रांसपोर्ट की फ़ीस, तो उस हिसाब से हम सेट करके यहाँ पे दे देते हैं। वैसे बहुत इजी है, देख सकते हैं, मैंने किलोमीटर के हिसाब से बना के दिखा दिया, और 5 to 10 किलोमीटर सेव कर दिया। सेव करने के बाद बस सिंपली जैसे हमने फीस प्लान किया था उसी तरह हम चाहे मास्टर मेनू में जाके रूट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया हुआ, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक किया, न्यू किया, उसके बाद हमने सेट कर दिया। मान लीजिए सिविल लाइन से हम 500 चार्ज करते हैं, जो भी एरिया हो आपके शहर का, जो भी एरिया हो उस हिसाब से हम यहाँ पे वो एरिया डाल देंगे। जहाँ पे स्कूल हो, स्कूल वाले आपको एरिया खुद बता देंगे कि 600 हम मुंडेरा चार्ज करते हैं, उसके बाद नैनी से हम मान लीजिए 700 चार्ज करते हैं। सेलेक्ट ऑल एंड कैटेगरी हमको दोनों सेलेक्ट करनी है, क्योंकि चाहे बच्चा नया हो चाहे पुराना हो हमको सबसे चाहिए फीस 700 वैल्यू। उसके बाद हम किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर लेते हैं, मान लीजिए 200 फॉर 0 to 5 किलोमीटर्स एंड 5 to 10 किलोमीटर्स 400। बस सो सिंपल, जैसे हमने फीस हेड क्रिएट किया, फीस प्लान किया, उसी तरह हमको रूट हेड, उसी तरह हमने रूट हेड क्रिएट किया और रूट प्लान किया। बहुत ही सिंपल है, बस सॉफ्टवेयर में एक बार आपको फीस हेड और रूट प्लान कॉन्फ़िगर करना है। रूट प्लान करने के बाद चलिए मैं आपको एडमिशन करके बता देता हूँ कि बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन भी करना बहुत ही आसान है, जैसे हमने रूट प्लान और फीस प्लान बनाया, बस सो सिंपल। एडमिशन पे जाइए, यहाँ पे न्यू दिया हुआ, न्यू पे क्लिक करिए, उसके बाद बच्चे का एडमिशन नंबर डालिए, बच्चे का नाम डालिए, किस क्लास में एडमिशन ले रहा है, मान लीजिए फर्स्ट में, किस सेक्शन में है, रोल नंबर डाल दिया, कहाँ से आ रहा है बच्चा। देखिए यहाँ पे जो भी हमने रूट्स में हेड बनाए थे वो सारे यहाँ दिखने लगे। अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है तो हम उसे जो बच्चा जहाँ से आ रहा है वहाँ पे हम सेट कर देंगे, वरना हम इसे लोकल में डाल देंगे। अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करता, अपने कन्वेंस से आता है, तो हम उसे लोकल में डाल देंगे। उसके बाद कास्ट क्या है बच्चे की, नया बच्चा है पुराना बच्चा है। अगर हम स्कूल में फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ता है कि ओल्ड स्टूडेंट ये हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी पे हम सेट कर देते हैं कि ओल्ड स्टूडेंट, हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट कितने हैं, ओल्ड स्टूडेंट कौन कौन हैं और न्यू स्टूडेंट कौन कौन है। बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो हम डायरेक्टली यहीं पर न्यू स्टूडेंट डाल देंगे, अगर पुराने बच्चों को चढ़ा रहा है तो हम यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट कर देंगे। तो इसी तरह हमने, तो चलिए हम एक न्यू स्टूडेंट एडमिशन करके दिखा देते हैं। उसके बाद हाउस क्या है उसका, मान लीजिए वो ब्लू हाउस का है, एड्रेस क्या है,
उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, पिताजी का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मदर, उनकी डिटेल्स हम पूरी यहाँ फीड कर सकते हैं। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ईमेल क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हम मैसेज शूट कर सकते हैं, मेल आईडी जो है उस मेल पे इनकी रसीदें जा सकती है और डिटेल जा सकती है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में हम उनकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि बच्चा लास्ट क्लास फर्स्ट से जिस पहले जो जिस स्कूल में था यहाँ पे क्लास फर्स्ट में ले रहा था, तो स्कूल का नाम क्या है, लास्ट एग्जामिनेशन गिवन क्या है, ईयर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, था पास था कि फेल था, मार्क्स कितने ऑब्टेन किया था, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, विजन लेफ्ट है राइट, विजन लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हम फीड कर सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिए, टीसी लिए, सीसी लिए, रिपोर्ट कार्ड, उसका एडमिशन फॉर्म नंबर क्या है, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, उसका आधार कार्ड नंबर जो भी है, अगर हम अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स या आरएफआईडी से लेते हैं तो उसका यूनिक नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। बच्चों की पिक्चर्स भी हम यहाँ लगा सकते हैं अगर हमको आई कार्ड बनाना हो, उसके बारे में हम एक इस टॉपिक पे हम एक नई अलग से वीडियो बनाऊंगा, नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आई कार्ड बनना है बच्चों का। तो इस टॉपिक को अभी मैं छोड़ता हूँ, हमने इसको सेव कर दिया। तो हम देख सकते हैं बाद में जाके यहाँ पे कि बच्चे का एडमिशन, ये देखिए यहाँ सारी उसकी डिटेल्स दिखा रही है। तो फ्रेंड्स अब आपने देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना सिंपल और इजी है, कितनी आसानी से हमने फीस कॉन्फ़िगर कर लिया, रूट कॉन्फ़िगर कर लिया, रूट प्लान कर लिया, फीस प्लान कर लिया, बच्चे का एडमिशन कर लिया। इसी तरह हम और भी बच्चे ऐड कर सकते हैं, बच्चे का किस नया बच्चा है, पुराना बच्चा है, बच्चा कहाँ से आ रहा है, उस हिसाब से हम सॉफ्टवेयर में बस फिर इन द ब्लैंक्स को भरते जाएंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको सेव करता चला जाएगा। सेव करने के बाद अगर हमको मॉडिफाई करना है तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फीस कैसे काटनी है, बैंक ट्रांजैक्शन कैसे होने हैं, और फाइन कैसे चार्ज करना है, कंसेशन कैसे लगाना है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।